नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती वाले यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, जैसा कि गेहूं की बुवाई शुरू हो चुकी है, गेहूं में अनेकों बीमारियों से बचाव और ज़्यादा फुटाव के लिए सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें, इससे गेहूं की अच्छी पैदावार मिलेगी। दरअसल ज़्यादातर ज़मीनों के अंदर पोषक तत्वों की कमी पाई गई है, जिसके चलते फफूंद और बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ रही है। इसी के कारण से फसलों में भयंकर नुकसान होता है। भाइयों, बीज उपचार के बाद हमें एक और सावधानी रखनी है कि हमें मशीन से बुआई करते समय एक नंबर ज़्यादा खोल लेना है, क्योंकि बीज उपचार के बाद दाना जो है वो फूल जाता है। आइए अब जानते हैं बीज उपचार के टेक्निकलों के बारे में। पहले फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए फंगिसाइड की बात कर लेते हैं। भाइयों, गेहूँ बीज उपचार के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निकल है टैबुकोनाजोल 2% DS, जो कि ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड है। ये DS यानी ड्राई सीड ट्रीटमेंट पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है। यह एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो बायर का रेक्सिल, UPL का टैबुवैक्स, क्रिस्टल का ट्रीट के नाम से मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। आप अन्य किसी कंपनी का भी इसे ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार आप इससे कर सकते हैं। मानो आप 1 कुंटल बीज का उपचार कर रहे हैं तो 150 ग्राम इसकी मात्रा आपको लेनी है। अगर ये आपको उपलब्ध ना हो तो दूसरा टेक्निकल है कार्बोक्सिन 75% WP। ये भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल बीज उपचार के लिए रहता है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इंडोफिल के मैनफिल, UPL का प्रोवैक्स या धानुका का बीटावैक्स, जिसमें एक और टेक्निकल होता है थीरम, इनके नाम से ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार इससे कर सकते हैं, यानी अगर आप 1 कुंटल बीज का इससे उपचार करते हैं तो आपको 250 ग्राम इसकी मात्रा लेनी होगी। अब बात करते हैं इंसेक्ट से बचाव के लिए टेक्निकल की। भाई, इंसेक्ट में हमें ज़्यादातर दीमक से बचाव करना होता है। यह एक आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। भाइयों, अगर आपके खेत में दीमक की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है और आपको नॉर्मली बीज उपचार करना है तो आप थायोमेथोक्सम 30% FS का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 3 ml प्रति किलो बीज आपको लेनी है, यानी कि 1 कुंटल बीज में आपको 300 ml इसकी मात्रा लेनी होगी। अगर आपके खेत में दीमक की भयंकर समस्या रहती है और आपको कन्फर्म पता है कि हाँ, ये दीमक की समस्या ही प्रत्येक वर्ष हमारे खेत में आती है, तो आप दूसरे टेक्निकल हैं वो यूज कर सकते हैं। पहला टेक्निकल है बाइफेंथ्रिन 10% EC। ये टेक्निकल आप ले सकते हैं। ये दीमक को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। इसकी मात्रा 10 ml प्रति किलो बीज आपको लेनी है, यानी 1 कुंटल बीज के लिए आप इसकी 1000 ml यानी कि 1 लीटर की मात्रा ले सकते हैं। या आप दूसरा टेक्निकल है फिप्रोनिल 5% SC, इसकी 5 ml प्रति किलो बीज, या क्लोरपाइरीफॉस 20% EC, इसकी 4 ml प्रति किलो बीज से आप बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद भाइयों, बीज को छाया में ही सुखाएं, उसके बाद आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।